एसएससी स्टेनो 2022 में मैंने कुछ आरटीआई के रिप्लाई डिपार्टमेंट्स में लगाए थे, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ रिप्लाई जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये देखो आरटीआई का है और इसका जो रिप्लाई है वो आया हुआ है। इन्होंने क्या किया, सीपीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर ने इन्होंने 5 अलग अलग उसमें आरटीआई को भेज दिया और सबके अलग अलग 6 रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने किए, जिनमें से क्या था कि पहले वाले में रिप्लाई ये आपका लिखा हुआ था कि भाई इनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है कि इस रिप्लाई को CPUEC अनुभाग को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, ये जो RTI है, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर का था। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये दूसरे में गया, ठीक है, ये जब दूसरे में गया तो दूसरे में DOPT को इन्होंने कंट्रोलिंग कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बता दिया। DO फिर इसके बाद एक ने आपका SSC को भेजा, तो SSC ने कहा कि भाई हम कोई भी जो स्टेट वाइज या रीजन वाइज कलेक्ट नहीं करते हैं। फिर दोबारा दूसरे ने भी SSC को भेजा और SSC ने भी यही बोला कि हम स्टेट वाइज रीजन वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एक RTI के उसमें आपका ये आया हुआ था जो NBGORG में था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि पोस्ट ऑफ स्टेनो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज फिल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, दिस ऑफिस डज नॉट कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। तो मतलब ये डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी अब इसके अलावा बाकी अदर इन्फॉर्मेशन जो अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे वैकेंसी है अब उनकी तरफ से कोई भी आई नहीं है। और बाकी अदर डिपार्टमेंट के बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से, तो अभी तक का कोई पता नहीं।